हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड थ्री का जो एग्जाम होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर, और ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? तो 36% चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब देखोगे 36% चाहिए, तो 36% चाहिए मीन्स टोटल नंबर पे चाहिए, है ना। तो टोटल नंबर आपको नहीं पता है तो हम लोग ले लेते हैं x, क्लियर, बाय मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ तक ठीक है, आगे देखते हैं। अ स्टूडेंट गेट 113 मार्क्स, अब किसी को मिला 113 एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल बाय 85 मार्क्स। अब 113 मार्क्स मिलने के बाद वो फेल हो गया, तो कितने नंबर के लिए फेल हुआ? तो डिक्लेयर हुआ कितना, 85 के लिए। तो 85 अगर वो लाता तो दोस्तों क्या होता, पास होता, है ना। अगर 113 लेके आया और 85 कम मिला, अब उस 85 को अगर और मिल जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब ये दोस्तों क्या है, ये भी तो पास परसेंटेज है ना, 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। तो ये भी पास, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ये मैक्सिमम मार्क्स। अब से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स, तो यही है ना मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको प्लस करते हैं 5, और इधर हो गया 8, 8, 1, 9 एंड देन 1। अब देखोगे परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100, अब इस साइड से उस साइड लेकर जाएंगे तो इनटू होगा, और ये 36 कहाँ आएगा, इसके नीचे। ठीक है ना, अब ये देखोगे 9 से कैंसिल होगा क्योंकि 9 प्लस 1 10 और 8 18, 9 के टेबल में जाएगा और ये भी 9 के टेबल में जाएगा, तो ये कैंसिल करते हैं। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, अगेन 1 8 18, 9 2 जा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं अगेन 2 से, और ये गया आपका 11 टाइम्स। इसको कैंसिल कर देते हैं 50 टाइम्स, तो 11 5 जा 55, और ये 0, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम मार्क्स 550। तो इस क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा 550, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रुपीज़, ये दिया हुआ है 20,000 बिकम, अब ये दिया हुआ है 24,200। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो दोस्तों अब ये है आपका कंपाउंडेड एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से लगा रहा है। तो अब टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो टाइम यहाँ दिया हुआ है आपका 2 ईयर्स। ठीक है, ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रुपीस, इतना था 20,000 से क्या हो गया 24,200, यानी अब ये जो है 20,000 ये था, यानी ये क्या था, ये प्रिंसिपल था। अब कंपाउंडेड एनुअली से जो इंटरेस्ट लग के ऐड हुआ वो अमाउंट हो गया कितना, अब तो अमाउंट हो जाए क्योंकि अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब ऐड हो के प्रिंसिपल पे वो क्या हो गया आपका 24,200। ठीक है, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों अमाउंट इज इक्वल्स टू, आपको पता होगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, इस क्वेश्चंस को इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैं ये प्रोसेस ये इजी होगा। ठीक है, अगर 2 ईयर्स हो तो विद इन सेकेंड हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 242 एंड देन 00। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा ना, तो प्रिंसिपल इस साइड लाओगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा ना, तो डायरेक्ट हम डिवाइड लिखते हैं, ये हो गया आपका 20,000। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स, यानी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखोगे अब कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे ये पावर क्या है, इसके अंदर यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है,
तो ये 20 तो कैंसिल, अब ये 200 और 242, ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। अगर 2 से कैंसिल करें तो ये हो गया 100, इसको 2 से कैंसिल करें तो ये हो गया आपका 1 एंड देन 2 एंड देन 1, ठीक है। अब 121 कितने का स्क्वायर होता है आपको पता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, एंड 100 कितने का, 10 का, यानी 11/10 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और इधर जो राइट हैंड साइड है इतना का स्क्वायर हो गया, है ना, ये गिवन ही है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो दिस बाय इक्वल्स टू दिस मिला, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 11/10, एंड देन 1 को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, इज इक्वल्स टू R/100, ठीक है। अब देखोगे, अब यहाँ पे नीचे 1 है तो LCM लोगे तो 10 ही आएगा, और ये 10 11 माइनस 10 करोगे तो ऊपर 1 एंड देन डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब ये 100 कहाँ आएगा, इस साइड आके इंटू होगा तो यहाँ इंटू हो गया 100 इज इक्वल्स टू R, एक जीरो से जीरो गया, यानी R इक्वल्स टू क्या मिला, 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर है B। तो दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड 3a+2b इक्वल्स टू 20, देन आपसे पूछ कह रहा है 2a+b इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखोगे सबसे पहले a प्लस बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है दोस्तों, 5, ठीक है, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 3a+2b इज इक्वल्स टू 20। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a एंड देन b, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखोगे अब यहाँ पे a का कोफिशेंट 1 है, b का कोफिशेंट भी 1 है, यहाँ पे a का कोफिशेंट 3 है और b का कोफिशेंट 2 है। तो इस वाले में अब किसी एक को आप कैंसिल करोगे तो या तो a को कर सकते हो या तो b को कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं चलो b को, तो यहाँ पे b के लिए कितना है, 2 है, तो इस वाले इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दिख रहा है इस इक्वेशन में 2 से इंटू कर देंगे। तो दोस्तों 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया आपका 2a एंड देन 2b, ये प्लस होगा बीच में, उसके बाद 2b इज इक्वल्स टू 5 2 10। अब ये कैंसिल कैसे होगा, माइनस करना होगा, तो सारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि सारे प्लस में हैं। तो 3a-2a कितना होगा, a, अब ये 2b क्या होगा, कैंसिल, अब 20 से 10 गया यानी क्या हुआ, 10। तो a का वैल्यू तो मिला दोस्तों 10, तो b इज इक्वल्स टू भी निकालना है, तो ये था ना, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये है 5 एंड देन माइनस, a इस साइड है प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, b a कितना 10, सो 10 तो कितना होगा, -5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको पूछ रहा है वहाँ पुट कर देंगे 3a+b, तो 3 into a, a मीन्स 10 एंड देन b मीन्स हो गया -5, तो ये हो गया 30 में से 5 गया यानी 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 क्यूब बोलेंगे इसको, चलो 2 क्यूब + 2² + 2⁻²± 2 + 2⁻³ इज इक्वल्स टू। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखोगे सबसे पहले 2³ मीन्स क्या हो गया, 8, 2 को 3 बार इंटू करेंगे, 2 × 2 × 2, 8 होगा, एंड 2² आपको पता ही है 4, एंड देन प्लस, ओके। अब यहाँ पे माइनस है, तो दोस्तों याद होगा आपको a⁻¹ इज इक्वल्स टू 1/a लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर a का पावर -2 है तो 1/a² इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस को हटाएंगे तो यानी चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमेटर जाएगा, डिनोमेटर से हम लोग न्यूमरेटर चले जाएंगे। तो यहाँ तो 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2² हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया तो 2² कितना होगा, 4, प्लस ये क्या होगा, 1/8, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो, ये है फ्रैक्शन पार्ट और ये है आपका होल नंबर, तो क्या करेंगे कि होल जो है ना आपका होल नंबर को हम लोग डायरेक्ट प्लस माइनस जो भी होगा कर लेंगे। तो 8+4 है तो 8+4 कितना हो गया दोस्तों, ये 12 एंड देन प्लस। अब ये जो फ्रैक्शन पार्ट है, अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 4 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 80 होगा, 4 से डिवाइड करोगे 2 एंड देन 8 से डिवाइड करोगे 1, तो 1 से 1 इंटू करोगे 1 ही होगा, तो ये क्या मिला, 12
एंड 2 प्लस 1 3 बाई 8, ये हो गया 3 बाई 8। यहाँ प्लस था ना, अब ये प्लस आपको लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट यही आंसर होगा। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर हो गया। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन में देखोगे ऑप्शंस में है क्या, तो ऑप्शंस में कहीं आपको दिख नहीं रहा है, ये किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 12 को 8 से इंटू करेंगे, इम्प्रॉपर बनाएंगे, तो 12 8 जा 96 प्लस 3 99 बाई 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 99 बाई 8, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ इफ 2 टू द पावर एक्स एंड देन इनटू 8 पावर 1 बाई 5 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 बाई 5 देन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखोगे एक्स है कहाँ, तो एक्स है आपका 2 के पावर पे, है ना। तो आपको भी कन्वर्ट करना होगा, ये जो 8 है 2 के पावर बनाना होगा। ठीक है, तो ये लिखता हूँ मैं 2 टू द पावर एक्स एंड देन इनटू 8 को लिख सकते हैं ना, 2 का पावर क्या होगा 3 होगा ना, 2 क्यों एंड देन पावर पावर इनटू होगा ना 1 बाई 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 बाई 5। तो दोस्तों यहाँ देखोगे आप, अब ये है आपका क्या बेस और ये है पावर, ठीक है, और इनटू है, तो जब बेस सेम होगा इनटू होगा तो पावर को क्या करते हैं प्लस करते हैं, सो 2 टू द पावर एक्स एंड देन प्लस 3 इंटू 1 करोगे तो 3 होगा, 3 बाई 5 यानी हो गया 3 बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 बाई 5। अब देखोगे दोनों साइड देखो, बेस सेम तो पावर भी क्या होगा सेम ही होगा, सो एक्स प्लस 3 बाई 5 इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 1 बाई 5। अब इसको उस साइड लेके जाएंगे और माइनस कर देंगे, आंसर आ गया, तो ये हो गया प्लस है, उस साइड गया तो माइनस 3 बाई 5, एलसीएम लोगे तो 5 ही होगा, ये 1 माइनस 3 सो 1 माइनस 3 ये हो गया माइनस 2 बाई 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस 2 बाई 5। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो दोस्तों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है ये क्या होगा, ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल अगर ड्रॉ कर दोगे, इसे बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, इसका नाम दे दिया हुआ ए बी सी एंड देन डी। और एक बात, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो आप बना लिए, अब इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल यानी एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसी तरह से एंगल बी इज इक्वल्स प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, क्लियर ना। तो दोस्तों अब गिवन क्या है वो देखोगे, सबसे पहले यहाँ देखोगे b माइनस डी और b प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री है और गिवन है b एंगल b माइनस एंगल d इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इन दोनों को सॉल्व करके अब b और d एंगल निकाल सकते हो, दोनों को अगर प्लस कर दे तो डी डी तो कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस में और दूसरा एक माइनस में है, तो ये प्लस ठीक है, तो 1 है ये 1 तो कितना हो गया 2 एंगल b इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0, ये हो गया 14 और ये हो गया 240। ठीक है, 2 से कैंसिल करते हैं यानी 120 डिग्री, एंगल b मिला आपको 120 डिग्री। ठीक है ना, 120 डिग्री यानी ये आया 120 और इन दोनों का सम कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 60 होगा, है ना। ठीक है, आप यहाँ पुट कर लो 120 उस साइड गया माइनस करोगे 180 माइनस 120 यानी 60 होगा, क्लियर। तो अब देखोगे आपसे पूछ कह रहा है देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू इज, अब इन दोनों एंगल में सब मतलब बी और जो डी दिया हुआ है इन दोनों एंगल में छोटा एंगल कौन सा है, तो छोटा एंगल कौन सा, एंगल डी है, कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों आज मैंने ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करवाए, ऐसे क्वेश्चन जो आने के चांसेस है एग्जाम्स में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।